रही। एक बंदो वृक्ष पे चढ़कर वो दुबलिक नामी दैत बंदो कोयल की आवाज निकालने लगा, बहुत प्यारी आवाज, रानी के मन को मोहने लगा। रानी के मन को मोहने लगा, कहीं पक्षी की आवाज निकालता, कहीं तोता की आवाज निकालता। बंदरों एकदम झाड़ी से शेर की आवाज निकाली है, कैसे? जो शेर की आवाज निकाली, रानी बंदो एकदम डर गई, लेकिन उस दैत ने क्या किया, वो दैत बंदो रानी के पति यानी उग्रसेन का रूप रख के रानी के सामने आए गए और एक बात कही। क्या क्या बात कही? कि बोला वो प्रिया रुचन मत कर। क्या कहा? बोला वो प्रिया रुचन मत कर, हाजिर है तेरा मतवाला। Yeah.
यार की क्या बात करो हाई नहार भी जाएगा। रानी को बंदो खुशी भी हुई और रानी दुखी भी हुई। रानी ने विचार किया, 45-46 साल की अवस्था गुजर गई और मेरे संतान नहीं हुई, अब मैं माँ बन जाऊंगी, महतारी बन जाऊंगी। इस बात को रानी से खुशी हुई, दुख इस बात से हुआ। 45-46 साल की अवस्था हो गई, किसी ने शरीर पर उंगली नहीं लगा पाया, लेकिन ये दैत्य मेरे शरीर में उंगली लगा दिया। बंदो पूरे बाल खड़ गए, कपड़े बंदो फट गए, रानी आगे बढ़ गए। जैसे बंदो रानी आगे बढ़ी तो बंदो रानी के यहाँ सखियां मिल गई। रानी बोली, कहाँ चली गई थी? सखियां बोली, माँ तुम खुद ही पता नहीं कहाँ चली गई हो। सखियां बोली, मैया ये बाल बिखर गए, कपड़े फट गए। रानी बंदो झूठ बोल रही। रानी बोली, बहन जहाँ पर मैं गई घूमती रही जंगल में और काले काले मुंह वाले बंदर आए, मेरे बालों को बिखेर दिया, कपड़ों को फाड़ दिया। बहना बहुत देर हो गई, चलो घर आए। बंदो रथ पे बैठ गया और घर आ गई। घर आ गई पूरी बंदो दोनों आंखें लाल है। जैसे घर को आई राजा उग्रसेन बोले, पवन रेखा अरे आंखें लाल है, क्या रोई हो, क्या बात है? रानी पवन रेखा बोली, स्वामी रोई नहीं हो, फिर कैसे लाल हो गए? स्वामी रथ से जा रही थी और आंखों में धूप पड़ गई। राजा उग्रसेन बोले, अच्छा हमने जानी काहे रोई हो, आंखें लाल है। राजा उग्रसेन बोले के कहां कहां जंगल में तुम गई? जंगल में कहां कहां गई? तुम माता बिनो देखो पवन रेखा सफेद झूठ बोल रही। राजा उग्रसेन बोले, क्या क्या देखा जंगल में? रानी बोली, स्वामी काले मुंह वाले बंदर, लाल मुंह वाले बंदर, ये सब कुछ देखा। राजा बोले, और क्या देखियो? रानी बोली, स्वामी और हमने देखा दुई किलोमीटर के रे सांप के भैया, दुई किलो दो देखा सफेद झूठ, दुई किलोमीटर का हम सांप हो। राजा उग्रसेन बोले, हम तो बहुत बार गए लेकिन दुई मील के रे सांप नहीं देखे। रानी बोली, स्वामी हम जहाँ नहीं रहा तुम वहां गए नहीं हुई हो के भैया? स्त्री कह दे कोठरी मैया हाथी देखे तो मान जाइ हो कोटेदार। हाय घर में ले, हाँ नाराज ना मनैया भैया मान जाइ है। हाँ बेटिया बहनों भाइयों, उग्रसेन बोले, पान रेखा तो तू मिल के रे सांप नहीं देखे। समय गुजरता रहा गुजरता रहा। भाइयों आज पवन रेखा के गर्भ से एक बंदो पुत्र पैदा हुआ, जैसे बंदो लड़का पैदा हुआ है। क्या लिखा? बालक के पैदा होते ही कंस कह रहे जन्म नहीं आ गया।
और साधन 21 रुपया राधे श्याम शुक्ला ने दान पैसा ला रहा हूँ जल्दी जल्दी ला रहा हूँ ना दे तो मांग ही लाओ हम मांग ना दे तो जबरदस्ती जेब तेरे निकाल कर सुनिए कह दिए तो हासिल कह रहा हूँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की लिखा जी से बैठे तो इधर से आओ।